गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस, क्या बताऊँ, आज मैंने सुबह से एक भी ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि आज ना थोड़ा काम हो गया था और गांव से कुछ लोग आ गए थे और थोड़ा काम बढ़ गया था, इसके कारण से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई गाइस। क्योंकि जानते ही हैं, थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है तो आदमी व्यस्त हो जाता है, और मैं भूल भी गई थी गाइस आज ब्लॉग बनाना। और गाइस, क्या हुआ ना कि कल लाइट चला गया रात में, समझे, और उसके बाद 2-2:30 बजे लाइट आई है रात में, तो हम लोग को सोते सोते 3 बज गया। और सुबह 6 बजे ही गांव से मेरे देवर और मेरी ननद आ गई थी, उनका एग्ज़ाम था गाइस। तो वो लोग ज़्यादा देर तो रहे नहीं, लेकिन होता है ना, खुद से थोड़ा नींद पूरी नहीं हुई। फिर मैं मतलब उन लोग के जाने के बाद सारा काम वाम करने के बाद फिर से हम लोग सो गए, और बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो गई है तो गाइस अभी तो कुछ काम है नहीं उतना, क्योंकि बच्चों को लाना होता है, उन लोग के लिए सारा चीज़ करना होता है। बट कल के कारण ना हम लोग का एस्टिमेट ही बिगड़ गया गाइस। तो अभी शाम था तो बैठी हुई थी, तो सोचा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो गाइस, एक भी दिन मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ ना तो मुझे लगता है कुछ अधूरा अधूरा टाइप में। अब इसकी ना आदत हो गई, कभी कभी भूल जाती हूँ बट इसकी आदत हो चुकी है गाइस। लगता है कि कुछ मेरा जो काम है ना कुछ अधूरा रह गया है। तो अभी सोचा बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ बात भी कर लिया जाए आपसे। तो गाइस, यहाँ बच्चों की ना गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है, उन लोगों का छुट्टी 20 तारीख से हो चुका है। अब देखते हैं क्या प्लान बनता है इन लोगों का समर वेकेशन में। फ़िलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं है क्योंकि गाइस हस्बैंड जो है वो बहुत व्यस्त हैं। और गाइस, वेकेशन में कहाँ जाएंगे अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी प्लान ही बन रहा है कि गांव जाए या क्या करें, यहीं पे रहें, अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ है। गांव जाएंगे तो आपको तो ज़रूर दिखाएंगे गाइस। और फिलहाल मैं अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, यहाँ देख सकते हैं बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा रखा है। एक्चुअली हॉलीडेज हो जाती है ना गाइस, तो बच्चे बिल्कुल बैठ के नहीं पढ़ते, दिन भर या तो ड्राइंग करेंगे या तो खेलेंगे। तो इसी के कारण मैंने सोचा कि थोड़ा इन लोगों पे भी ध्यान दिया जाए, इन लोगों को भी पढ़ाया जाए। तो अभी थोड़ा खाना वाना मैं बना चुकी हूँ, तो सोचा इन लोगों को पढ़ा लेती हूँ। तो अभी मैंने इन दोनों को दिया है रीडिंग करने के लिए गाइस बुक को, और कहा है कि जो भी आपके हार्ड वर्ड्स आते हैं ना उसको अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग आप लोग ढूंढ के रखो और एक कॉपी में लिखो। तो ये लोग वही कर रहे हैं। जो भी हार्ड वर्ड्स है ना उसको अंडरलाइन करो और कॉपी में लिखो, ताकि उससे ना थोड़ा इंग्लिश जो है हम लोग का स्ट्रांग होता है। जब तक हम मतलब किसी भी वर्ड को अगर अंडरलाइन करते हैं तो अगर उसका मतलब हम जान लेते हैं तो आसान होता है चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो इसीलिए जो जो पढ़ रही हो उसका हार्ड वर्ड्स तुम अंडरलाइन करो और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखो। तो गाइस, यहाँ पे बच्चों को तो वर्क दे दिया है, और आज मैंने बनाई है खाने में आलू, और आलू की सब्जी है गाइस, और भिंडी का भुजिया है, दाल चावल है, और पापड़ है, और सलाद है। तो गाइस, ये सब चीज़ आज बनी है हम लोग के यहाँ। मैं दिखा नहीं पाई, ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा आज बताया ही मैंने कल जो लाइट कट गया गाइस। आज ना विदाउट मतलब होता है ना टाइम टेबल से सोना, और विदाउट टाइम टेबल के सोना, तो गाइस आज कुछ ज़्यादा ही सो गई थी, इसके कारण ना थोड़ा पूरा टाइमिंग ही डिस्टर्ब हो गया है। और पूरा काम का जो टाइमिंग होता है ना सब उल्टा पुल्टा हो गया, इसीलिए आज ब्लॉगिंग भी नहीं आ पाए, उसके लिए सॉरी। और ये छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है, इसको देखिए गाइस, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। गुड नाइट।